तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड की सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गर्टू, जिसको आज सिनेमाघरों में 37वां दिन चल रहा है, यानी कि फिल्म का आज 6वां सैटरडे है। लेकिन आज भी अपने 37वें दिन में गदर 2 ने अपने कलेक्शन में एक बार फिर से जबरदस्त ग्रोथ हमें दिखाई है और वाकई अपने 37वें दिन में भी आज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान पिछले गुरुवार यानी 7 सितंबर को रिलीज हुई है। इस फिल्म को रिलीज हुए सिनेमाघरों में 10वां दिन चल रहा है और रिलीज होते ही बॉलीवुड के और साउथ के बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि गदर 2 अपने पहले 37 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितने कमाई करने में कामयाब रही थी, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में कितना कलेक्शन हो रहा है और आज अपने 37वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो वही जवान फिल्म अपने पहले 9 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 10वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, हम आपको बता दें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और अनिल शर्मा के डायरेक्शन में भी ये फिल्म प्रोड्यूस्ड हुई थी, जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से भी कम का था। और फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमिताभ पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। तो वही फिल्म को पूरे वो इंडिया के अंदर लगभग 3800 स्क्रीनों में रिलीज किया गया था। तो फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर 40 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 54 करोड़ रुपए का हो चुका था। उसके बाद गदर 2 ने अपने पहले 31 दिनों में 515 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 678 करोड़ रुपए हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें पूरे 35 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो गदर 2 ने अपने पहले 35 दिनों में 517 करोड़ 88 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई कर ली थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 681 करोड़ रुपए हो चुका था। 36वें दिन की अगर हम बात करें, तो 6वें फ्राइडे को ये फिल्म 36वें दिन को ये फिल्म कमाई 46 लाख रुपए। अगर आज की और 37वें दिन की अगर हम बात करें, आज भी ये फिल्म कमाई कर रही है लगभग 70 लाख रुपए इंडिया के अंदर। तो फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है 37 दिनों में, वो 518 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई हो रही है। तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में 683 करोड़ रुपए का कमाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 अपने पहले 37 दिनों में 518 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई कर लिया है और ये पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि पठान फिल्म ने हिंदी भाषा में इंडिया के अंदर 526 करोड़ ही कमाया है। तो बस 6 करोड़ यानी 8 करोड़ ही पीछे है गदर 2। और ये गदर 2 फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है। अगर हम बात करें जवान फिल्म की, तो इस फिल्म की हम जितनी तारीफें करें कम है। जवान फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और साउथ के केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली 2 और RRR ऐसी तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जवान साउथ में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड की। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जवान फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद अपने पहले 8 दिनों में यानी कि 8वें दिन फिल्म की जो कमाई रही जवान फिल्म की 21 करोड़ 60 लाख रुपए, तो 8 दिनों का जो टोटल कलेक्शन था वो 389 करोड़ 88 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रहा था। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 469 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 228 करोड़ रुपए और कुल मिला के अपने पहले 8 दिनों में पूरे वर्ल्ड में 697 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 90 दिन फिल्म का